मतलब तुरंत में ही मतलब ये हाई आरपीएम पे ये पिकअप पकड़ ले रहा है, मतलब जल्दी से ज़्यादा टारगेट नहीं हो रहा है, ये चेक करो भाई। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हियर इज़ द रॉयल इनफील्ड GT650 कॉन्टिनेंटल GT650, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सा लग रहा है। ये ग्रेइश और ऑरेंज कलर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रीमियम सा आपको लग रहा है। तो अभी इसे राइड करके बताएंगे मतलब कैसा है, कंफर्टेबल है कि नहीं ये GT650। बाय द वे इसका देख सकते हैं इंजन डिस्प्लेसमेंट वगैरह पूरा ब्लैक फिनिश से कवर अप है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रीमियम सा लग रहा है। और यहाँ पे इसका देख सकते हैं आप, ये इधर से भी लुक कुछ ऐसा आ रहा है। एग्जॉस्ट वगैरह, सबसे पहले इसका एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देते हैं। अभी जो एग्जॉस्ट नोट है इसका, एक सेकंड अभी ऑन करता हूँ इसे। तो सबसे पहले न्यूट्रल कर देता हूँ, देख सकते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट कुछ ऐसा दे रखा है। यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, अभी इसका एग्जॉस्ट नोट कुछ ऐसा दे रखा है ये GT650 का। तो अभी से राइड करके बताएंगे मतलब कैसा कंफर्टेबल है कि नहीं ये। तो राइडिंग पोजीशन की बात करें तो राइडिंग पोजीशन बेटर सा दे रखा है ये GT650 का। तो अभी से राइड करते हैं जरा। तो इसका पिकअप वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बेटर सा दे रखा है, इसका जो पिकअप वगैरह है GT का। ये चेक करो गाइस, मतलब यार इसका एक्सेलरेशन वगैरह क्वाइट गुड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बेटर सा इसका एक्सेलरेशन वगैरह। और बात करें तो राइडिंग को मतलब ये राइडिंग पोजीशन की, तो थोड़ा सा इंटरसेप्टर से थोड़ा लिटिल भी डिफरेंस रहेगा इसमें, थोड़ा ज़्यादा झुकना पड़ता है अकॉर्डिंग टू इंटरसेप्टर सिक्योरिटी, इसमें ज़्यादा झुकना पड़ता है आपको। और पिकअप वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बेटर सा दे रखा है इसलिए चेक करो आप। यहाँ से अभी टर्न ले लेते हैं गाइस। और काफी जल्दी मतलब भाग रहा है ये, रिस्पॉन्स काफी फास्ट दे रहा है ये GT650। और ये टर्न का जो मतलब ये कलर है वो भी बेटर सा ही लग रहा है। बात करें तो आपको ये राइडिंग कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, हैंडलिंग वगैरह भी बेटर सा दे रखा है ये GT650 का जो हैंडलिंग वगैरह है। बस वो ज़्यादा उड़ रहा अभी इतना देखते हैं। ऐसे तो पूछ लिया करो गाइस आप लोग।
गाइस ये काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस गुड है इसका यार। और बात करें ब्रेकिंग वगैरह की तो वो भी बेटर था दे रखा, जो ब्रेकिंग वगैरह है वो काफ़ी बेटर है गाइस इसका, एबीएस वर्किंग वगैरह। तो यहाँ से अभी टर्न ले लेते हैं अपन, तो थोड़ा सा बॉडी वेट मैनेज करने में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है इससे, लेकिन आप यूज टू हो जाओगे इससे, उसके हैंडलिंग पोजीशन वगैरह से आप लोग यूज टू हो जाओगे जल्दी। तो यहाँ से अभी टर्न कर लेता हूँ, ट्रैफिक वगैरह देख के थोड़ा। मतलब मजा था आ रहा है और भगाने में, ये GT 650 है।